आप लोग नीचे आओ ना, नीचे आओ आप लोग। बाबा थोड़ा इस तरह हो, थोड़ा इस तरह। चलो आगे आगे जाओ, चलो आगे और आगे और आगे। थोड़ा सारे पीछे हो, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ। फाड़ रन भी लगती था दूसरी जना, थोड़ी दूर पीछे हो जाओ थोड़ा। चलिए चला शुरू करते हैं। क्रमदान अक्षय देखो हमें जो आज प्रोग्राम रखा था उसमें जो सुखताव नदी जो मेन नदी है मजूरी टाउन की, जिसमें काफ़ी ज़्यादा गंद इकट्ठा हो रखा था, उसे क्लीन करने का हमने मिशन उठाया है। ये क्रॉस द बोर्ड जितने भी मेंबर्स हैं, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, पोलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स हैं, क्रॉस द बोर्ड सोसाइटी सामने आई है। और आपने देखा होगा लगभग 250 लोग इसकी सफाई के लिए सामने आए हैं। हम साथ में अभी जिस जगह पर खड़े हैं वो साथ में एक MRF फैसिलिटी है, मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी है। इसमें जितना भी गंद है वो मजूरी टाउन पर यहाँ पर आता है, उसे सॉर्ट किया जाता है, प्लास्टिक को अलग किया जाता है, कार्डबोर्ड को अलग किया जाता है, मेटल को अलग किया जाता है। प्लास्टिक को कंप्रेस करके हम एक दाना बनाते हैं, उसको हम फैक्ट्रीज में भेजते हैं। इसके अलावा जो बायो वेस्ट है उसका मैन्यूर बना रहे हैं। इस तरीके से हमारी ये कोशिश है कि जोरी MC जो है उसे एक ज़ीरो वेस्ट जो है बनाया जाए। सुंदरबनी म्यूनसिपल कमेटी में ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, वहाँ पर मैन्यूर तैयार हो रहा है, वहाँ के जो म्यूनसिपल कमेटी है उसको 12 रुपये के हिसाब से बेच रही है। और कालाकोट में पिछले साल एक स्वच्छता सर्वेक्षण में हमें नंबर 1 स्पॉट मिला था पूरी कंट्री में। हमारी यही कोशिश है कि हम अपनी कोशिशों के बाद इस टाउन को भी इतना खूबसूरत बनाएं ताकि हमारी रैंकिंग जो है स्वच्छता में ऊपर जाए। मैं चाहता हूं कि हमारे जो सारे बच्चे हैं उनको क्लीननेस की इंपॉर्टेंस हो, साथ में जो जितने भी सिविल सोसाइटी मेम्बर्स हैं बढ़ चढ़ के जो सोसाइटी की टाउन की क्लीननेस पर दिखाएँ। सर आज म्यूनसिपल काउंसिल रजौरी ने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक जॉइंट क्लीन विजिट क्लीन कैंपेन यहाँ पे सलानी के अंदर रखा था। यहाँ पे दरिया की नदी के पास जितना भी हमारा कचरा था, DC साहब और उनके साथ आई हुई पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी काउंसिल्स के वाइस चेयरमैन साहब और बाकी दिग्गर काउंसिलर्स और सरपंचज के साथ मिलकर है ना, पूरी सोसाइटी और स्टूडेंट्स वगैरह ने एक जॉइंट वहाँ पे क्लीन ड्राइव शुरू की है। मैसेज बड़ा साफ है कि जो हमारा यहाँ पे एक यूनिट हमारा जो सलानी के अंदर लगा हुआ है, जिसके हवाले से आप कई बार सुनते भी होंगे कि दाएँ बाएँ बातें भी होती थी कि जनाब ये यूनिट फंक्शनल नहीं है, तो वहाँ पे जाके हमने देखा कि किस तरह से म्यूनसिपलिटी रजौरी जो है वो अपने कचरे को लेके साइंटिफिक वे से उसका क्या क्या ट्रीटमेंट कर रही है। और मेरे ख्याल में एक अच्छा इनिशिएटिव है और आने वाले दिनों के अंदर इस तरह के इनिशिएटिव्स बराबर रहेंगे ताकि हम अपने रजौरी को साफ़ सुथरा रख सकें। कुछ एक दुश्वारियाँ अभी हमें हैं कि हमारे पास ज़मीन नहीं है, जो कंपोस्टिंग यूनिट समय हमने बनाने थे वो हमारे नहीं बन पा रहे, जिसका पैसा हमारे पास मौजूद है। और हम होप करेंगे, उम्मीद करेंगे कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर या कुछ टाइम में हमें जगह प्रोवाइड करती है तो हम वो कंपोस्टिंग पिट्स भी बनाएंगे। वो बनने के बाद आप देखोगे आज हमें ना स्टाफ की शॉर्टेज है, ना हमारे पास प्रोजेक्ट्स की कोई कमी है, लेकिन प्रॉब्लम्स हमें कुछ लैंड्स की रही है। अगर वो हल हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि रजौरी काउंसिल जो है वो जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क के साथ साथ एक क्लीन